हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे तापावा टेक्निकल चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर एफ टी ए जिंक सेट टॉप बॉक्स में रिचार्ज ऑफर कैसे चेक करें। मतलब कि डिश टीवी का जो सुपर एफ टी ए जिंक सेट टॉप बॉक्स है उसमें ऑफ़र वगैरह कैसे चेक करें, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे चेक करना है। सेम प्रोसेस होता है जो डिश टीवी में जैसे चेक करते हैं, वैसे ही आपको सुपर एफ टी ए जिंक सेट टॉप बॉक्स में चेक करने हैं। और जैसे कि उसमें ऑफ़र में ये आता है कि कितने का रिचार्ज करें और कितने चैनल्स आप उसमें ले सकते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाने वाला हूँ मोबाइल स्क्रीन पे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, दूसरा वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आ चुके हैं स्क्रीन पर, स्क्रीन पर आपको मैं सिखाता हूँ कैसे रिचार्ज ऑफ़र चेक करना है आपको, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको आ जाना है माई डिश टी वी ऐप पर। माई डिश टी वी ऐप अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है तो आपने डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आपने लिखना है माई डिश टीवी, ठीक है जी। इतना लिख के आपको सर्च करना है, आपके सामने ये वाला जो ऐप है वो आ जाएगा। इसमें आपने लॉगिन होना है। लॉगिन कैसे होना है, अपना जो रजिस्टर नंबर इसमें डालना है, जो आपने सुपर एफ टी ए जिंक सेट टॉप बॉक्स में दिया है वही नंबर इसमें डालना है, और ओटीपी के थ्रू इसमें आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद में कुछ इस तरीके से इसका जो फेस आउट आता है। अब यहाँ पर आपने सबसे नीचे कॉर्नर पर मैनेज पैक देख रहे होंगे आप, ये भी है। यहाँ से अपना पैकेज वगैरह बदल सकते हैं, और गाइड पे जाकर के अपना कौन सा प्रोग्राम कब आ रहा है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और रिचार्ज वाले ऑप्शन पे जाकर के, जो रिचार्ज का जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, यहाँ पे रिचार्ज पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर रिव्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ऑफ़र भी लिखा आ रहा है, सबसे हाईलाइट हो रहा है ऑफ़र। उसके बाद में यहाँ पर तीन ऑफ़र यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो तीन ऑफ़र में देखो क्या क्या है। ऑफ़र कभी भी किसी भी कंपनी में निकले तो ऑफ़र ले ही लेना चाहिए, ऑफ़र में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है एक तरफ से। अब जैसे कि देख रहे हैं 50% डिस्काउंट GTV, ठीक है जी। तो GTV का चैनल 19 रुपये का है, आप चाहे नॉर्मल लें या HD लें। तो मैं कहता हूँ आप HD ही चैनल लें GTV। अगर GTV का नॉर्मली जैसे प्राइस अगर हम लगाएँ, तो मैं इसमें दिखा देता हूँ कैलकुलेटर पर आपका कितने का पड़ने वाला है। कैलकुलेटर एरा, और अपना जैसे 19 रुपये का चैनल 22 रुपये का पड़ता है GST के बाद में, ठीक है जी। 22 में हम 10 रुपये का NCF लगा देते हैं तो ये पड़ जाता है 32 रुपये का, ठीक है जी। अब 32 रुपये अगर हम इंटू करेंगे 6 मंथ के लिए, तो ये 192 रुपये पड़ रहा है। और यहाँ पर जो दिखा रहे हैं, यहाँ पर 6 मंथ के लिए दिखा रहे हैं, सिर्फ 50% डिस्काउंट पर आपको ये मिलेगा। 192 से आपको आधे पैसे देने हैं इसमें, जो कि 50% डिस्काउंट पे आपको GTV मिलेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर रिचार्ज आपको कितने का करना है, यहाँ पर ये लोग दिखा रहे हैं 106 रुपये का रिचार्ज करना है, सिर्फ 106 रुपये का रिचार्ज करना है। 6 महीने तक का जो GTV है वो फ्री हो जाएगा, 50% डिस्काउंट ये बता रहे हैं। तो इसमें GST और वगैरह वगैरह लगा करके, NCF लगा करके, तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है, ठीक है जी। तो 106 रुपये का अगर आप रिचार्ज डालेंगे और अपना डिश टीवी एक्टिवेट करने के लिए बोलेंगे, वैसे तो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाना चाहिए, लेकिन अगर आप मिस कॉल करेंगे या कॉल करेंगे कस्टमर केयर से, या यहीं से ही पैकेज बनाएंगे, एक वीडियो मैंने बना रखा है कि चैनल कैसे एक्टिवेट करें, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो चैनल जैसे पहले रिचार्ज करना है फिर चैनल एक्टिवेट करना है, तो ये ऑफ़र बहुत बढ़िया है। 50% डिस्काउंट में चल रहा है, जब तक चल रहा है तब तक आप ले सकते हैं। और दूसरा ऑफ़र जो है इसमें क्रिकेट सर्विस 66 रुपीज़ 3 मंथ के लिए। क्रिकेट का सीज़न जब चालू हो जाता है, क्रिकेट के अगर आपको चैनल चाहिए तो एक चांस मिल जाएगा सिर्फ 66 रुपये में 3 महीने के लिए, ठीक है जी। तो 19 रुपये का वहीं अगर इसमें चैनल लगाओगे, 19 रुपये का चैनल जो हैगा वो 22 रुपये का, 22 रुपये कुछ पैसे पड़ता है, और इसमें 10 रुपये ये लगा दिया हमने, 32 इंटू, और यहाँ पर हम कर दें 3, तो ये 96 रुपीज़ हो रहा है। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें 66 रुपये देने हैं, 66 रुपये में आपका पूरा 3 महीने तक क्रिकेट का जो चैनल है वो चलेगा। अब लास्ट जो तीसरा जो ऑफ़र है वो है चूज़, जैसे कि वाओ है चूज़ एनी 3 चैनल्स ऑफ योर चॉइस, मतलब आप अपनी चॉइस से 3 चैनल ले सकते हैं सिर्फ 65 रुपये में, चाहे वो 34 34 जो 32 32 रुपये के चैनल हो, GST NCF लगा के बता रहा हूँ, 19 का चैनल 10 रुपये NCF और GST, तो ये 32 34 रुपये करीब पड़ता है एक चैनल, लेकिन आप इसमें 3 चैनल ले सकते हैं। 3 चैनल में देखो कौन कौन से आपको, यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे उसमें तो यहाँ पर कह रहा है 2 चैनल्स आप ले सकते हैं स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट में से, चाहे एक स्पोर्ट्स ले लो या एंटरटेनमेंट ले लो, या दोनों एंटरटेनमेंट ले सकते हैं। मतलब कि जैसे एंटरटेनमेंट में हो गया अपना, बोलो तो 2 चैनल्स हो गए एंटरटेनमेंट में, सीरियल वगैरह हो गए, मूवीज़ वगैरह हो गई, ये चैनल्स इनमें से ले सकते हैं।
अब बाकी अब रह गया एक चैनल कौन सा लेना है, कार्टून्स या डिस्कवरी, इन दोनों में से एक चैनल आप कोई सा भी ले सकते हैं। टोटल 3 चैनल 65 रुपये में ये ऑफर कर रहा है, ठीक है जी। तो इतने रुपए का जो इसमें जो रिचार्ज बता रहे हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। पहले रिचार्ज करना है, फिक्स अमाउंट का करना है, ऐसा नहीं 1 रुपये ज़्यादा कर देंगे तब भी ऑफ़र नहीं मिलेगा, कम करेंगे तब भी ऑफ़र नहीं मिलेगा। फिक्स अमाउंट का रिचार्ज करना है और ये वाला ऑफ़र आप एक्टिवेट करवा सकते हैं कस्टमर केयर से, या और रिचार्ज करके, रिचार्ज से भी अमाउंट से भी जो ऑफ़र है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है जी। तो वैसे इस तरीके से अपना ऑफ़र चेक कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, दोस्त यार में शेयर करना, वीडियो ज़्यादा बड़ा हुआ तो उसके लिए सॉरी। बाकी मैंने क्लियर आपको इसमें समझा दिया है, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेटवर्क पे, तब तक के लिए थैंक यू।